नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय फलोदी सत्ता बाजार का ओपिनियन पोल ने खलबली मचा दी है। ताजा भाव के हिसाब से इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 182 सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है गुजरात के लिए, तो और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन किसका पलड़ा भारी हो सकता है इस पर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। 182 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी सभी सीटों पर। कांग्रेस की रणनीति क्या होगी वो स्पष्ट अब तक नजर नहीं आई, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी साफ तौर पर चुनावी यहाँ पर जनसभाएं कर रही है और जनसैलाब भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गुजरात में यहाँ पर इस वक्त किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्या कांग्रेस यहाँ पर जो है अंदरूनी चोट दे सकती है बीजेपी के लिए, इस पर आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े। क्योंकि बात की जाए तो पीएम मोदी के गृह राज्य में यहाँ पर जीत का सिलसिला क्या यहाँ पर आगे बढ़ेगा बीजेपी का, या फिर कुछ नया आंकड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कर सकती है जिस कार की अब तक जानकारी निकलकर आ रही है। चुनावी विश्लेषण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है बड़ा अकेला कर सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी को क्या झटका हो सकता है या फिर बीजेपी एक तरफा जीतेगी गुजरात विधानसभा चुनाव, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े। क्या गुजरात में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, क्योंकि लगातार 27 सालों से बीजेपी यहां पर सरकार में है, लेकिन इस बार 2022 बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर खलबली है और जिस कार की बड़ी बड़ी घोषणाएं जो यहां पर दिल्ली और पंजाब के रास्ते अब गुजरात के आए, ये क्या आम आदमी पार्टी जीत की तरफ बढ़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और आम आदमी पार्टी से यहां पर किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की वजह से गुजरात में कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा, देखिए बहुत ज्यादा नुकसान कहने वाले 44% है, क्योंकि जो वोट शेयर कांग्रेस का है उसमें सेंध लगा सकता है आम आदमी पार्टी, लेकिन क्या बीजेपी के वोट शेयर में वो यहां पर गिरावट लाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा यहां पर नुकसान देंगे, 33% नहीं होगा कोई नुकसान, ऐसे 23%, और इसी पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है कि इससे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को इसका फायदा होगा, लेकिन दावे और यहां पर जो आंकड़े हैं उनमें कितना यहां पर दम दिखता है। अगर यहां पर गुजरात के रीजन वाइज आंकड़े आपको दिखाएं तो सौराष्ट्र कच्छ में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, यहां की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर बीजेपी को 32 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 12, यहां पर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी 9 सीट, जबकि अन्य की बात की जाए तो 1 सीट, यानी सौराष्ट्र में कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अब तक बनती नजर आ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या आम आदमी पार्टी जो 9 सीट का आंकड़ा है इसको और बढ़ा पाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बात की जाए उत्तर गुजरात में किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, देखिए इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 23 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को यहां पर 5 सीटें, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी 4 सीट, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी खाता खोल रही है, लेकिन जो 4 सीटें हैं इनको कितना आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि अभी भी जो समय है और इस समय में जिस कार से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल जो जनसभाएं कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल सकता है। अगर बात की जाए तो सेंट्रल गुजरात में यानी मध्य गुजरात में किसको कितनी सीटें मिल सकती है, इस पर देखिए सेंट्रल गुजरात में बीजेपी को सबसे बड़ी यहाँ पर पार्टी बन रही है, 47 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 4 सीट, कांग्रेस 10, रन का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, यानी यहाँ पर भी बीजेपी को जीत मिल रही है, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी 4 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, ये पहली बार है आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है सीटों पर अपना खाता खोल रही है, लेकिन क्या ये सीटें आगे बढ़ा पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो यहाँ के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं, और यहाँ बीजेपी को 27 सीट, कांग्रेस 3, जबकि आम आदमी पार्टी 3, अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें, यानी दक्षिण गुजरात में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े को पार कर रही है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, कांग्रेस यहाँ पर 77 सीटों से घटकर यहाँ पर 30 से सीटों के करीब दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर करीब 20 से 25 सीटें इस वक्त निकाल रही है, 182 सीटों का आंकड़ा, जिसमें अन्य की बात की जाए 2 सीटें, यानी आज समय अगर गुजरात विधानसभा चुनाव होते तो एक तरफा जीत बीजेपी को मिल सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो लगातार यहाँ पर अपनी सीटों में इजाफा कर रही है, पहले
का जो ओपिनियन पोल था उसमें कम सीट थी, लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें 20 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जो सटीक ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को जीत मिल रही है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़े जारी किया है और बहुत जल्द आपको फलोदी सट्टा बाजार की आंकड़े भी दिखाने वाले हैं और इस हिसाब से काफी उलटफेर यहाँ पर सामने आ रहा है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो फिलहाल आपको दिखाया है। तो आपको क्या लगता है गुजरात में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर परिवर्तन दिखेगा? आखिर किसके दावे में कितना दम होगा इस पर अपने आइकन बॉक्स जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में आपको और भी महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।